हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। आज हम लोग साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके वन रक्षक इवन और भी अगर आप अनदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम देने से पहले आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, देखकर जाइएगा इन क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, धूम्र बम, माचिस और पटाखे बनाने में मुख्यतः किस तत्वों का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम या यूरेनियम। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम पर मिल जाएगी, और अगर आप पहली बार हैं तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा है ना, माचिस की तीली बनाने में रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, धूम्र बम वगैरह पटाखे बनाने में भी फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो, मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक रूप से एक मिश्रण है। मोमबत्ती कैंडल का आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा डी नंबर ऑप्शन, पैराफिन मोम और स्टेरिक एसिड का। ठीक है, दोनों का ही कंबाइन करके हम मोम को बनाते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और आता है, मोमबत्ती का जलना। आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, मोमबत्ती का जलना क्या है, कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन में काउंट होता है, फिजिकल भी है और साथ में रासायनिक परिवर्तन भी है। ध्यान रखिएगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों ही आएगा, क्लियर। और उसके अलावा अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि मोम का जलना, अगर आपसे सिर्फ पूछ ले कि मोम का जलना, क्योंकि मोम जलने के बाद मोम ही रहेगा सिर्फ, सॉरी मोम का पिघलना, ठीक है, मोम का पिघलना, तो ध्यान रखिएगा मोम जब पिघलेगा तो मोम ही रहेगा, कुछ नया नहीं बनेगा। इसी वजह से ये सिर्फ आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है, तो ये आपका फिजिकल चेंज है अगर मोम मेल्ट हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, किस उत्प्रेरण का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। उत्प्रेरण यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखना है, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग में, वेलोसिटी में चेंज ला देते हैं, या तो प्रक्रिया को धीमा कर देंगे या बढ़ा देंगे, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक, क्लियर। अब आपसे पूछा गया है कि जब हम तेल से हमें क्या बनाना है, घी बनाना है, तेल से हमें घी बनाना है, जिसको आप क्या बना दो, डालडा होता है ना वनस्पति घी। तो इसके लिए ना हम लोग जिस प्रोसीजर का या जो भी हम गैस पास करवाते हैं वो होती है हाइड्रोजन, और उसी प्रोसीजर को कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण, क्लियर। तो ये यहाँ से जब आप तेल से घी बना रहे हैं तो इसके अंदर हम ना कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिएक्शन थोड़ा तेज हो, तो इसके लिए हम लोग निकल का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कौन सी गैस पास करवाई जाती है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस पास करवाई जाती है। नेक्स्ट देखो, सबसे जटिल पदार्थ, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। अब हमने ना इस टॉपिक को बहुत अच्छे से भी किया था, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि वसा किससे मिलकर बनी होती है मेन, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, क्लियर। उसके अलावा सल्फर वगैरह भी होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, आपका यहाँ पे रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रेशो है 1:2, 2:1 का रेशो, क्लियर। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन तो आपको जरूर ही मिलेगा जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि सबसे जटिल पूछा गया है, तो यहाँ पे मेन तो कंपोनेंट ही रहते हैं, बट प्रोटीन में एक एक्स्ट्रा होता है नाइट्रोजन, क्लियर। इसी वजह से ये आपका क्या है, ये आपका सबसे जटिल पदार्थ कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। एंडोस्कोप आपके पर्टिकुलर एक नली डाल के अंदर चेक किया जाता है ऑर्गन्स को, उसे बोला जाता है एंडोस्कोप, और जो प्रोसीजर एंडोस्कोपी, क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से आपके इनर के जो ऑर्गन्स है वो जांचे जाते हैं। राइट आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन, बहुत बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और ये मोस्टली हमने ना इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है।
परावर्तन की बात करेंगे, जो प्रकाश एक ही माध्यम में, जो मान लीजिएगा कि प्रकाश एक माध्यम में टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को बोला जाता है परावर्तन। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का फैलाव हो जाना, ठीक है, प्रकाश का फैलाव हो जाना जिसकी वजह से ही आपको रंग दिखाई देते हैं, क्लियर। अब अपवर्तन में क्या होगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे कहा जाता है अपवर्तन। जैसे कि आप पानी के अंदर कोई स्टिक डालोगे तो वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है, पानी में मछलियां आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देती हैं जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, और उसके अलावा कोई आपने नींबू सिक्का डाला है तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देना, तो वो सारे एग्जांपल्स आपके अपवर्तन के हैं। उसके अलावा सूरज के ढलने के बाद और सूरज के उगने से पहले आपको सूर्य दिखाई देने लगता है, वो भी किसकी वजह से है? अपवर्तन की वजह से है। तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो भी किसकी वजह से है? अपवर्तन की वजह से है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, बिल्कुल सही है। वैसे निर्वात में भी गुजर सकता है, बिल्कुल सही। नहीं गुजर सकता है, गलत है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, बिल्कुल सही। क्या पूछा था? गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं तो कितना है? 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 3×10^8 इतना चल जाता है, या आप इसको बोलेंगे 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, क्लियर। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो साउंड का आपने देखा ही है 330 या 332 मीटर प्रति सेकंड, तो हो गया ना चेंज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा सी नंबर ऑप्शन। क्लियर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, जस्ट अ मिनट, यस, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो है वो वैक्यूम में उसकी स्पीड हाईएस्ट होगी, वैक्यूम से वो ट्रेवल कर सकता है, जबकि साउंड वैक्यूम यानी कि निर्वात में गति नहीं कर सकता है। ये हमने पहले भी इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट, मोटर कारों में हेडलाइट के चोन को हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पोलराइड यूज प्रयुक्त किए जाते हैं। एक्चुअली आपने देखा है ना, जो हेडलाइट्स होती हैं वो एक ही जगह पे पर्टिकुलर फोकस करती हैं, उनकी जो रोशनी है वो फैलती नहीं है, अगर रोशनी फैल जाएगी तो क्लियरली दिखाई नहीं देगा ना, तो इसी वजह से क्या किया जाता है? पोलराइड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। पोलराइड, मान लीजिएगा कि आपका यहाँ से जो प्रकाश है वो कुछ इस प्रकार से फैलता है, अगर यहाँ पे इसके आगे पोलराइड ग्लास लगा होगा तो वो कुछ इस प्रकार से उसको क्या कर देगा? एक ही रेखा से, यानी कि सीधा ही फिर प्रकाश निकलेगा, ज्यादा फैलेगा नहीं, ठीक है, ध्रुवण। और इसी वजह से ध्रुवण से हम ये भी तो बता पाते हैं ना कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, एस्बेस्टोस किससे बनती है? एस्बेस्टोस इससे हम लोग ना सीमेंट की शीट्स वगैरह बनाते हैं, तो ये जनरली बनाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम, इससे हम लोग एस्बेस्टोस बनाते हैं, और जनरली सीमेंट की चदरें वगैरह वो इसी से बनाई जाती है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है? सिट्रिक एसिटिलीन बेंजोइक या सोडियम क्लोराइड? तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो हम लोग सोडियम क्लोराइड जो कि आपका नमक है उसका इस्तेमाल भी करते हैं, बट हम यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डिब्बा बंद खाने आते हैं, वो काफी लंबे समय तक आपके खराब नहीं होते हैं, तो बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोइड ये भी आपने सुना होगा और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड मिलता है, एसिटिलीन गैस C2H2, वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कच्चे फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाना है तो भी एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये तो फिर आपका क्या है? NaCl है। नेक्स्ट देखो, खट्टा नींबू जो है वो खट्टा किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, और एसिड कौन सा? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। जितने भी आपके खट्टे फल हैं उनके अंदर आपको सिट्रस या सिट्रिक एसिड मिलता है, क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आपको पेट में मिलेगा, एसिटिक एसिड ये आपको सिरका में मिलता है, क्लियर, और ये जो है ये आपको इमली में मिलेगा, इमली है, अंगूर है, उसमें आपको टार्ट्रिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट देखो,
प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक पदार्थ का उपयोग हथियार के रूप में किया गया था? टीएनटी, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस या भाप अंगार गैस। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था, मतलब जापानी सेना के द्वारा, और जैसे ही ये गैस छोड़ी जाती है तो फंफोले हो जाते हैं और इसमें से सरसों की स्मेल आती है, इसी वजह से इसको मस्टर्ड गैस कहा जाता है। थोड़ी जहरीली सी गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन, एस्पिरिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है ना, किस रूप में? क्या वो एंटीबायोटिक है, क्या वो एंटीपायरेटिक है, शमक है, या इनमें से कोई नहीं? देखो, एंटीबायोटिक्स तो होते हैं अगर आपको कोई जीवाणु से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से, तो हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिजैविक का इस्तेमाल करते हैं। और पहला प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन था। ठीक है, अलेक्जेंडर के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था। उसके अलावा जब हम एंटीपायरेटिक की बात करते हैं तो ये होता है जिनको आप फीवर, कोई ऐसी मेडिसिन जिसको आप फीवर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे आप कहते हैं एंटीपायरेटिक। क्लियर? तो राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एस्पिरिन आप फीवर वगैरह में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा रसायन फलों को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बाइड या एसिड एल्डिहाइड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, क्या? कैल्शियम कार्बाइड। बहुत अच्छा है ना। चलो, अब यहाँ पे तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? कैल्शियम कार्बाइड, उसके अलावा एसिटिलीन और एथिलीन। ये तो होता है प्राकृतिक रूप से पेड़ों में पाया जाने वाला हॉर्मोन है जो फलों को पकाने का काम करता है। ये है आपका C2H2, वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन के साथ। उसके अलावा अगर आपको कृत्रिम रूप से पकाना है तो आप एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड ये भी फाइनली एसिटिलीन गैस ही प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं फलों को पकाने में आर्टिफिशियली, यानी कि कृत्रिम रूप से। नेक्स्ट देखो, इनमें से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि कैवलर वगैरह है, वो एक आपका पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में किया जाता है। अगर यहाँ से ऐसे ऑप्शन तो क्या करोगे? ठीक है, लेड। तो ध्यान रखिएगा, लैमिनेटेड जो कांच होता है वो काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है, काफी लेयर्स होती है, और उसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट्स या बुलेट प्रूफ आपके जो ग्लास है उसको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, एक मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन, पायरेथ्रिन जो है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे कि आप कीटनाशक बोल सकते हैं, स्किन पे भी हम कर सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल जैसे कि आपकी जो कॉइल्स आती है उसमें किया जाता है। गुलदाउदी इसका जो मैंने आई थिंक लिया होगा, इसका जो साइंटिफिक नेम है, तो ध्यान रखिएगा वो जो पौधा है वो कैसा है, एक बीजीय पौधा है, एक सीड प्लांट है जिससे हम लोग पायरेथ्रिन प्राप्त करते हैं, और कैसे? फूल से प्राप्त करते हैं। इसका जो फूल होता है प्लांट का बता देती हूँ, डेजी फ्लावर प्लांट है एक आपका, क्राइसेंथेमम सिनेरिया फोलियम। ठीक है, गुलदाउदी इसको हिंदी में कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके जो फूल होते हैं, फूल से हम लोग पायरेथ्रिन प्राप्त करते हैं। इसका इस्तेमाल कीट वगैरह को भगाने में, जैसे कि मच्छरों को भगाने में, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो, पराध्वनिक जेट प्रदूषण किसको पतला करता है? पराध्वनिक यानी कि बहुत ज्यादा रेंज है, मतलब आप बोल सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है, साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये किसको पतला करता है? ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर जो हमें यूवी से सुरक्षित करती है, पराबैंगनी किरणों से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको पतला करने का काम करता है। और उसकी परत की मोटाई को हम किस में मेजर करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, डेप्सन में करते हैं। किस में करेंगे? डेप्सन में करेंगे। राइट आंसर आपका रहेगा ए नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन कैसा लग रहा है? फीडबैक जरूर देना है, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी रिसेंटली होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिथेन गैस, मिथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? CH4 की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा धान का खेत, पैडी फील्ड जो होते हैं वहां से आपको मिथेन गैस प्रोड्यूस होगी। घरेलू पशु वातावरण से भी आपको मिलेगा, और दलदली क्षेत्रों से भी, दलदली जो क्षेत्र होते हैं उससे भी आपको मिलेगा। इसको ही हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, क्योंकि मार्स पर आपको ये गैस मिली थी। उसके अलावा जो आपकी बायोगैस है, बायोगैस में भी ये मिलेगा,
और आपका जो सीएनजी है उसके अंदर भी आपको CH4 मिलता है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। कोयला खदानों में भी CH4 मिलती है, मिथेन गैस, और इसी वजह से कई बार वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। इसी वजह से डायरेक्टली आग का यूज नहीं करके जो लैम्प होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह होगी तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हवा वगैरह पहुंचेगी तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रबर आसानी से घुल जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा बेंजीन में। रबर, मैंने आपको ये चीज बताई थी, रबर से जुड़ा हुआ जिसे हम लोग सल्फनिक, जिसे हम वल्कनीकरण कहते हैं, एक प्रोसीजर आता है जिसको आप लोग ना वल्कनीकरण कहते हैं। क्या प्रोसीजर है? जब हम लोग रबर को पेड़ से जो प्राप्त होता है लेटेक्स, लेटेक्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इसे हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग सल्फर के साथ गर्म करते हैं। जैसे ही हम लोग इसको सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो आपको एक कठोर रबर प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप डिफरेंट डिफरेंट टायर्स, ट्यूब वगैरह, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 3-5% ही सल्फर होता है, क्लियर। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वल्केनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है कीटनाशक, फफूंद नाशक, चूहा नाशक या धूमक। तो ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है एज ए पेस्टिसाइड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपके 2-3 क्लासेस और रहेंगे जिसमें हम कुछ ना फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए थे, तो वो भी हम लोग करेंगे। चूहे मारने का जहर जो है वो किस रासायनिक पदार्थ का बनता है? चूहे मारने का जो जहर है वो बनता है पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है। हालांकि हम लोग जिंक फॉस्फाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फाइड, क्लियर। इसका इस्तेमाल भी क्या जाता है? चूहे मारने का जहर बनाने में। तो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट की वही गैस है जिसको जो भोपाल गैस त्रासदी, आपने नाम सुना होगा ना, यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी जिसके द्वारा प्रोडक्शन में ये वाली गैस बहुत ज्यादा रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हुई थी 1984। इथाइल एल्कोहल, पीने वाली शराब को हम लोग इथाइल एल्कोहल कहते हैं, क्लियर। ये 5 होता है प्रकाश रंग, आपने नाम सुना होगा ना विब्योर, क्लियर, ये आपने सुना होगा, परंतु ध्यान रखिएगा वैसे ही कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। जब आप वहां पे रेंज बनाओगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे वेवलेंथ कम हो जाती है, जिसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, ठीक है। इसका जो मान होता है वो कुछ इतना होता है, क्लियर। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पर वेवलेंथ कम होती जाती है। तो इसी से ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का जो रंग है, देखो जैसे कलर पहले क्या था, रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। तो कलर चेंज हो रहा है ना, किसके साथ कलर चेंज हो रहा है? जैसे जैसे आपकी तरंग दैर्ध्य कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, यहाँ पे प्रकाश का रंग भी बदल रहा है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 3800 से 3800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, तो यहां से आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा डी नंबर ऑप्शन। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।